हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आज आ रही है टेक न्यूज़ नंबर 142। मॉर्निंग में मैंने डाल दी थी मी 10 यूथ एडिशन की अनबॉक्सिंग और थोड़े घंटे पहले मैंने डाला है MIUI 12 का मेरा एक्सपीरियंस। तो करके कल मेरी टेक न्यूज़ नहीं आ पाई क्योंकि भाई कल जब मैंने टेक न्यूज़ शूट कर ली और मैं एडिटिंग करने लगा तो मैंने पाया मेरी वीडियो में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जिस फ़ोन से मैं शूट करता हूँ उसमें मैंने MIUI 12 का अपडेट लगा दिया था तो करके प्रॉब्लम आ गई। तो रियली सॉरी, कल मैं न्यूज़ नहीं दे पाया और बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूज़ मेरी रह गई जो आज आपने बहुत यूट्यूबर से सुन ली होगी। तो शुरू करते हैं आज की बढ़िया बढ़िया टेक न्यूज़। तो पहली न्यूज़ की बात कीजिए तो LG वेलवेट, जी हाँ, 5G फ़ोन आ रहा है। बहुत सुंदर फ़ोन है मगर प्राइस भी बहुत बढ़िया रखा गया है। 6.8 इंच का होगा, स्नैपड्रैगन 765G, 180 ग्राम का ये फ़ोन है, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 16MP फ्रंट कैमरा, 48+8+5MP का रियर कैमरा, 4300mAh की बैटरी। कॉस्ट है इसकी $650 या $700 जो बनते हैं नहीं, वो 50,000 के पास। तो जो LG सस्ते नशे करता है वो वीवो भी नहीं कर सकता। रियली LG को तो कोई डिफीट कर ही नहीं सकता मेरी नज़रों में। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए मेजू 17 एंड 17T आ रहा है 7 मई को चाइना में और इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। स्नैपड्रैगन 865 के साथ आएगा। कह रहे हैं इसमें सेरेमिक बॉडी मिलेगी, वायरलेस चार्जिंग पहली बार मेजू सपोर्ट करेगा, साथ में 64MP सोनी IMX686 वाला कैमरा होगा। तो स्पेक्स बढ़िया लग रही है, प्राइस मैटर करता है किस प्राइस पर ये लॉन्च होता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो MIUI 13, वैसे मैंने कल न्यूज़ देनी थी, आज दे रहा हूँ क्योंकि MIUI 12 कल आ गया और चाइना में Xiaomi वालों ने कह दिया कि हमने MIUI 13 पे काम करना शुरू कर दिया है जो फोर्थ क्वार्टर तक आने के चांसेस हैं। तो मतलब अक्टूबर या नवंबर में आ सकता है MIUI 13, ज़्यादा जल्दी नहीं होने लग गया? बाकी ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ हमें बढ़ना चाहिए तभी हमारा प्रोडक्ट बढ़िया और आगे रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो Honor 10X आ रहा है मई में, 6.63 इंच की 1080x2400 का स्क्रीन रेजोल्यूशन, IPS LCD स्क्रीन मिलेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 4200mAh की बैटरी, 22.5W का चार्जर, किरिन 820। और ये फ़ोन सबसे सस्ता 5G फ़ोन होगा अगर Xiaomi ने नहीं लॉन्च किया। इसमें मिलेगा आपको किरिन 820 जो 5G वाला प्रोसेसर, और कंपनी ने कहा था कि जो 9X आया था जिसकी कॉस्ट 1400 युआन थी, तो हम इसकी भी X10 की भी काफ़ी सस्ती रखेंगे, तो अंडर 2000 आएगा, तो अब तक का ये चीपेस्ट फ़ोन बन जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो Redmi K30 Pro, जी हाँ, इंडिया में आ रहा है ना ही Poco F2 बनके। काफ़ी शोर था Poco F2 Pro, Poco X2 Pro बनके Redmi K30 Pro आएगा। कल Zoom में मनु कुमार जी ने कह दिया कि भाई Redmi K30 Pro आएगा, तो ये काफ़ी बढ़िया खबर है, मगर Redmi K30 Pro Zoom नहीं आ रहा इंडिया में, तो ये याद रखिए। साथ में एक MediaTek जल्दी आएगा इंडिया में, जस्ट आने वाला है, लॉकडाउन खुल जाए और जिस टाइम Redmi K30 Pro का इवेंट होगा उस टाइम ही Redmibook भी अनाउंस होगा, मगर ये शायद जो Ryzen एडिशन है उस प्रोसेसर के साथ आएगा, इंटेल वाला ना है, क्योंकि Ryzen एडिशन काफ़ी सस्ता है, तो शायद Redmi क्योंकि कॉस्ट बचाने के लिए वो वाला एडिशन लॉन्च कर सकते हैं। ऑफिशियली नहीं पता था पर कह रहे हैं वो वाला लैपटॉप आ सकता है। चलो जो भी है, Redmi के लैपटॉप बहुत अच्छे हैं, मेरे को नियर अबाउट काफ़ी टाइम हो गया Redmibook 14 यूज़ करते हुए, आई एम रियली लविंग इट, प्राइस स्पेक्स बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आ रही है हमारे Samsung Galaxy Fold 2 की, जी हाँ, उसमें कह रहे हैं 64MP का कैमरा यूज़ किया जाएगा और फोल्ड फ़ोन काफ़ी महंगे, तो 1.5-2 लाख का होगा, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इसमें क्योंकि भाई इतने में तो मैं Xiaomi के बहुत फ़ोन ले लूँ। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो Lenovo, जी हाँ, Lenovo Legend Gaming, बहुत ही शानदार फ़ोन लग रहा है इसकी क्या अपीयरेंस सामने आई फ्रंट लुक की, जिसमें आपको कोई नॉच नहीं दिख रहा और ब्रिजल्स बहुत छोटे हैं टॉप पे भी और बॉटम में भी, 5050mAh की बैटरी, कह रहे हैं 90W का फास्ट चार्जर जो सबसे तेज़ होगा, एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिख रही है लेफ्ट साइड पे, जैसे ROG 2 में 2 चार्जिंग केबल थी इसमें भी हो सकती है, साथ में ये MIIT सर्टिफिकेट में आ गया है जो हमें बताया है हमारे टेक गाय ट्विटर पे, एक लड़का है उसने मुझे उसकी भी मैंने पोस्ट पढ़ी, तो भाई फ़ोन बहुत शानदार होगा मेरे हिसाब से, ROG 3 को टक्कर देगा। अब लोग कमेंट में पूछेंगे ROG 3 कब आ रहा है, भाई मुझे नहीं पता कब आ रहा है,
नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो सैमसंग नोट 20 सैमसंग भी करने लग गया है हमारे सस्ते नशे थोड़े से, क्योंकि कह रहे हैं इसमें यूज़ किया जाएगा एक्जीनो 992 का एक न्यू प्रोसेसर। मुझे समझ नहीं आ रहा सैमसंग क्यों नहीं छोड़ रहा स्नैपड्रैगन में, भाई अच्छा खासा चल रहा था इंडिया में, उसकी सेल आपने देखी है कितनी कम हो रही है। अगर ये नहीं हटेगा तो भाई लोग छोड़ देंगे इसको, बाकी कंपनी में मैटर करता है, देखते हैं क्या करता है। लास्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आ रही है हमारी MediaTek की May 7 को MediaTek अपना न्यू प्रोसेसर सबसे स्ट्रॉन्ग 5G प्रोसेसर लॉन्च करेगा, MediaTek MTK6873 जो Dimensity 2000 होगा। मगर मुझे समझ नहीं आया अभी तक इनका Dimensity 1000 जो Tiana 1000 था 5G का पावरफुल चिपसेट अभी तक किसी फ़ोन में नहीं आया। नवंबर के एंड या दिसंबर में ये लॉन्च किया गया था और अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, तो ये 2000 क्यों लॉन्च कर रहे हैं पता नहीं। MediaTek ये क्यों ला रहा है प्रोसेसर, क्योंकि अभी लास्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर तो अभी तक किसी फ़ोन में नहीं आया। देखते हैं May 7 को मैं पता चलेगा क्या करता है MediaTek। तो आज के पोल में मैं रखूंगा कि MIUI 12 आपको कैसा लगा। मैंने अभी रिसेंटली ही वीडियो डाली है कुछ आवर्स पहले, आप देखिए और आपको अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइए पोल में, साथ में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या बढ़िया लगा। सोच रहा हूँ एक दो और चीज़ें लाऊं इसमें जो मुझे खास लगी। आज पहला दिन था मेरा, मुझे काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। एक बग भी आ गया मुझे, काफ़ी लोगों का क्योंकि चाइनीज़ रोम है तो करके ये बग आया है, मगर बग तो बग है, पहला रोम है। बग्स बेटा वर्जन आता ही इस करके है क्योंकि वह बग्स को कंट्रोल कर सको, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही, बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।